हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम टू चैनल ऑफ एस एस सी गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर एमसी के तो गाइस आप so मैंने आपके साथ जो यहां पर डिस्कस किया ठीक है पिछली वीडियो में हमने किया इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस ठीक है तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे ठीक है चलिए ये आप आप खुद भी इसको क्या करेंगे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिखेगा ठीक है तो देखते हैं पहला एमसीक्यू का एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक आउटपुट मीडिया इज डैश जो हमारे पास मैग्नेटिक आउटपुट मीडिया जो है उसकी एडवांटेज क्या होती है हाई स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसिंग डाटा लो कास्ट या ऑल ऑफ दीज तो गाइज जो मैग्नेटिक इनपुट मीडिया जो है उसकी जो हमारे पास एडवांटेज होती है हाई स्पीड भी उसकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे डेटा को एसेस करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होती है और लो कास्ट का भी होता है तो गाइज तीन ही ऑप्शन इसमें आते हैं इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज ठीक है तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री प्राइमरी फंक्शन दैट ऑन लाइन डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम कैन सर्व आप देखिए क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए इसमें कहा गया है कि जो थ्री प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं जो जिससे हमारी ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम को सर्व कर सकते हैं तो गाइस इंक्वायरी बैकअप अपडेट प्रोग्राम ठीक है उन तीन फंक्शन में से इनमें से कौन सा नहीं है ठीक है तो guys, इसका आंसर जो है डी यानी कि प्रोग्रामिंग ठीक है वो क्या है प्रोग्रामिंग जो होता है वो सर्व नहीं कर सकता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर गाइस कि अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस ठीक है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कौन सी है ऑप्टिकल स्कैनर माउस लाइट पेन या ऑल ऑफ दिस तो गाइस जो इसका आंसर है हमारे पास वो है डी पार्ट ठीक है यानी कि जो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है हमारे पास जैसे हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं ऑप्टिकल स्कैनर से कर सकते हैं माउस से कर सकते हैं लाइट पैन के जरिए कर सकते हैं ठीक है इन तीन इनपुट डिवाइस के जरिए हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हमारे पास क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे विच डिवाइस इज यूज फॉर एंट्रिंग एक्स टू वाई कोआर्डिनेट ठीक है देखिए गाइज हाई लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए ठीक है कौन सी डिवाइस जो है जिसको हम यूज करते हैं एक्स से एक्स टू वाई ठीक है एक्स और वाई कोआर्डिनेट को यहां पर क्या करने के लिए एंटर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं कार्ड रीडर का जॉयस्टिक कीबोर्ड या ऑल ऑफ की तो गाइज हम किस चीज का यहां पर यूज करते हैं तो गैस हम यहां पर यूज करते हैं जॉयस्टिक का किसका यूज करते हैं जॉयस्टिक का हम यहां पर यूज करते हैं, यूज करते हैं हमने एक्स एक्स टू वाई कोआर्डिनेट को यहां पर एंटर करना होता है ठीक है इसका आंसर क्या है जॉयस्टिक क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है पूछा गया है जब एक से ज्यादा पर्सन जो है सेंट्रल कंप्यूटर को एक सेम टाइम पे यूज करते हैं तो किस चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है टर्मिनल लाइट पेंट डिजिटाइजर या माउस तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें किसकी ऑप्शन नंबर ए यानी कि टर्मिनल की जरूरत हमें यहां पर पड़ती है ठीक है जिस टर्मिनल के थ्रू वो सारे कनेक्ट हो जाएं चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इस हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहां पर क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली यूजेस अ कीबोर्ड फॉर इनपुट इनमें से कौन सी चीज है ठीक है जो कीबोर्ड को अपना इनपुट यूज करती है यानी कि कीबोर्ड को अपना इनपुट मानती है डेस्कटॉप टर्मिनल पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनल या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टर्मिनल या ऑल ऑफ डीज तो गाइज इनमें से आपको कोई भी चीज क्या करनी होगी एंटर करनी होगी तो हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है सो so, आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पंच एज डेटा एंट्री मीडिया ठीक है जो हमारे पास यहां पर बोला गया है इनमें से क्या चीज मतलब क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है आप पंच पंच कार्ड कार्ड जो होते थे ठीक है वहां पे डेटा एंट्री मीडिया का यहां पे क्या चीज यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है दे कैन बी यूज एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स दे आर इनएक्सपेंसिव इनपुट इज स्लो कंपेयर्ड विद अदर मीडिया दे आर इजीली डैमेज्ड अब यहां पे पंच कार्ड के बारे में बोला है वहां पे बोला गया है कि दे कैन बी यूज एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट उनको हम टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं वो इन एक्सपेंसिव होते हैं ठीक है इनपुट यहाँ पे स्लो होता है दूसरे मीडिया से अगर हम कंपेयर करें तो ये आसानी से गाइज क्या हो जाते हैं ये आसानी से यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी क्या है ये इन एक्सपेंसिव होते हैं ये यह ऑप्शन यहां पे गलत यह यह है ये इन एक्सपेंसिव नहीं बल्कि ये एक्सपेंसिव होते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पूरे थर्टी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डेटा एंट्री सिस्टम इज जो प्राइमरी एडवांटेज होती है ऑफ की तू, की की जो प्राइमरी एडवांटेज होती है टेप टेप डेटा एंट्री सिस्टम को करने के लिए वो क्या है लार्ज परसेंटेज ऑफ एडिटिंग कैन बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री जो हम यहां पे एडिटिंग की जो लार्ज परसेंटेज उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा एंट्री के टाइम ठीक है की वेरिफिकेशन इज इजिलफॉर्म जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से परफॉर्म हो सकती है टेप इज रियूजेबल जो टैप होती है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं की एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एज दे अकर्स जो एरर्स होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब वो होती है तो यहां पर इसका जो है जो टैप की बात की है तो यहां पर क्या है उसको हम टैप जो होता है वो रीयूजल होता है उसको हम फिर से भी यूज कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, है हमारे पास लिंकेज बिटवीन सीपीयू एंड यूजर इज प्रोवाइडेड बाय जो यहां पर सीपीयू एंड यूजर के बीच में जो लिंकेज होती है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है पेरिफेरल डिवाइसेस स्टोरेज कंट्रोल यूनिट और सॉफ्टवेयर तो किसके द्वारा करी जाती है गाइस जो लिंकेज होती है सीपीयू और यूजर्स के बीच में वो होती है यहां पे पेरिफेरल डिवाइसेस की मदद से ठीक है किसकी मदद से पेरिफेरल डिवाइसेस की मदद से चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर फॉलोइंगली चीज को यहाँ पर वाइडली यूज किया जाता है अकेडमिक टेस्टिंग के लिए एमआईसीआर पीओसीआर या ओ एम आर तो किस चीज को यहाँ पर यूज किया जाता है अकेडमिक टेस्टिंग के लिए वो किया जाता है ओ एम आर को जब मैंने पढ़ाया था वहां पर आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यहाँ पे जो हम पेपर देते हैं उसके लिए इस टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है ओ एम आर को ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चलिए इसने पूछा गया है विच प्रिंटर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मैंने आपसे बात करी थी परसों कल की वीडियो में दैट कैन प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी जो हाई क्वालिटी क्या कर सकती है लेटर को यहां पे प्रोड्यूस कर सकती है परफेक्ट प्रिंटिंग कर सकती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर या लेजर प्रिंटर यहां पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछा है आपसे तो दैट इज गाइज लेजर प्रिंटर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास

उसकी डिसएडवांटेज क्या है इट इज क्वाइटर देन एन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर से क्वाइट होता है इट इज वही बहुत स्लो होता है आउटपुट का जो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है उसकी लाउ क्वालिटी होती है या नन ऑफ दिस तो ठीक है इसमें से लेजर प्रिंटर की इसमें से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है तो गाइज आंसर है यहाँ पर नन ऑफ दिस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर डेटा एंट्री कैन बी परफॉर्मड विद ऑल ऑफ दी जो है इन सब के थ्रू हो सकती है एक्सेप्ट किसके द्वारा नहीं हो सकती है ओ सी आर ओ एम आर एम या एम आई सी आर इनमें से डेटा एंट्री किसके द्वारा नहीं हो सकती है ओ सी आर के द्वारा भी होती है ओ एम आर के द्वारा भी होती है एम आई सी आर के द्वारा भी होती है सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर कि पूछा गया है मैग्नेटिक टैप कैन बी सोव एज मैग्नेटिक टैप क्या काम करता है इनपुट मीडिया है आउटपुट मीडिया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से या ये सब है तो मैग्नेटिक टैप जो है वो इनपुट मीडिया भी है आउटपुट मीडिया भी है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी है यानी कि ऑल ऑफ दिस में सारे ही आंसर आपके पास आएंगे चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे द एडवाटेज ऑफ सीओ जो सीओ की एडवांटेज है वो क्या है तो guys, इसका जो आंसर है आपके पास यहाँ पे सी ओ एम की जो एडवांटेज है कंप्यूटर की जो एडवांटेज है वो क्या है ऑप्शन है आपके सामने कंपैक्ट साइज एंड रेडेबिलिटी कंपैक्ट साइज और स्पीड रेडेबिलिटी साइज एंड स्पीड लाओ कास्ट एंड री एडिबिलिटी ठीक है तो रेडिबिलिटी इसकी जो आंसर है वह आपके सामने क्या होता है इसका साइज जो है कंपैक्ट साइज होता है और इसकी स्पीड होती है ठीक है स्पीड तो स्पीड भी के तो स्पीड भी कंप्यूटर की तो होती है आपको पता है कि जो सुमारा सुपर कंप्यूटर है ठीक है सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट होता है ठीक है चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास एम आई सी आर ठीक है द्वारा जो है यहाँ पे इसने किस चीज को पॉसिबल किया है कैशलेस सोसाइटी को चेकलेस सोसाइटी या क्रेडिटलेस सोसाइटी या नन ऑफ दीज गाइज एम आई सी आर के द्वारा यहाँ पे कैशलेस सोसाइटी को इसने पॉसिबल किया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां फॉर जो पैरिटी बिट जो होता है उसको एडिट किया जाता है किसके लिए कोडिंग के लिए इंडेक्सिंग के लिए एरर डिटेक्शन के लिए के या अपडेटिंग के लिए तो गाइज पैरिटी बिट को यहाँ पे यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरिटी बिट इज एडिट फॉर इसको किस लिए यहां पर एड किया जाता है हमारे एरर डिटेक्शन के लिए ठीक है चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन है द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड दो बेसिक टाइप बोलनी है आपको जिसे अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है रिकॉर्ड एक्सेस मेथड के टू बेसिक टाइप्स कौन सी कौन सी हैं सिक्वेंशियल एंड रैंडम डायरेक्ट एंड इमीजिएट सवेंशियल एंड इंडेक्सड ऑनलाइन एंड रियल टाइम

जो इसकी कैपेबिलिटीज के जो इसकी कैपेबिलिटीज है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर ये इंटायरली डिपेंडेंट होता है जिसके जुड़ा हुआ रहता है उस टर्मिनल का नाम बताना है क्या है स्मार्ट टर्मिनल डॉम्प टर्मिनल माइक्रो कंप्यूटर या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है हमारे पास डम्प टर्मिनल ठीक है सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ दी सॉरी विच इनपुट डिवाइस यूज इज स्विच ए कंटैक्ट प्लेस्ट अंडर अ प्लास्टिक पैड विच इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो यहाँ पे स्विच कंटैक्ट जो है यहाँ पे यूज करती है जो एक प्लास्टिक पैड के अंदर क्या होते हैं प्लेस्ड होते हैं जिसके ऊपर सिंबल्स होते हैं टच पैड पंचड कार्ड सॉफ्ट की बोर्ड या माउस ठीक है तो प्लास्टिक पैड जो होता है वो होता है हमारे पास टच पैड ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें पूछा गया है से किस चीज को सिर्फ डेटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है और स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है सिर्फ क्या बोला है डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए यूज करते हैं और कभी भी उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं दैट इज गाइज माउस ठीक है माउस से कभी भी प्रोसेसिंग नहीं होती है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एंश्योर डेटा इनमें से किस चीज को यूज किया जाता है कि हमारा कि हम हमारा डेटा जो है इंश्योर है और एक्यूरेटली एंड हैज बीन एक्यूरेटली इनपुट टू द कंप्यूटर इनमें से किस चीज को यूज किया जाता है अक्सर यूज किया जाता है कि हम इंश्योर हम करें कि डेटा जो है एक्यूरेटली हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो गया है कीबोर्ड से डेटा इनपुट करते हैं लाइट पेन भी नहीं डिजिटाइजर भी नहीं दिस का आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज इसका होगा आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस नहीं है कीबोर्ड लाइट पेन डिजिटाइजर दिस तो गाइस इसका आंसर तो गाइस देखिए इन्होंने बोला है डायरेक्ट एंट्री कौन सा नहीं है तो गाइस कीबोर्ड से भी डायरेक्ट एंट्री होती है लाइट पेन से भी डायरेक्ट एंट्री होती है डिजिटाइजर से भी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली यूज एट होम किस चीज को तुम अपने घर पर एज एज वेल ऑफिस में यूज करते हो जो आपके सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट होता है यहां पे डॉप नहीं है डम्प है ठीक है डॉम्प टर्मिनल पीओएस टर्मिनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टर्मिनल या माइक्रो कंप्यूटर तो कैसे आप यहां पर यूज करते हो घर में माइक्रो कंप्यूटर ठीक है चलिए विच ऑफ यूज़ टू एंश्योर द हाई क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर आउटपुट इनमें से किस चीज को तुम यूज करते हो टू एंश्योर इस चीज को इंश्योर करने के लिए दैट द हाई क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर आउटपुट ठीक है तो गई इसका आंसर है वॉइस आउटपुट सिस्टम आउटपुट कंट्रोल कंप्यूटर इनपुट माइक्रोफिल्म या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी डी तो गई इसका आंसर है कंप्यूटर की हाई क्वालिटी यानी कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है ये तो हमें आउटपुट कंट्रोल से ही पता चलता है ठीक है चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है विच आर लाइकली सी इन कंप्यूटर लैपटॉप ठीक है सॉरी लैपटॉप कंप्यूटर इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आप यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर में देखना पसंद करते हो वॉइस इन आउटपुट डिवाइस आउटपुट कंट्रोल्स कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफेम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी गाइस तो इनमें से लैपटॉप कंप्यूटर में विल यू लाइकली सी तुम क्या देखते हो एलसीडी के तुम अपने लैपटॉप कंप्यूटर को देखते हो ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन अ मोनोक्रोम मॉनिटर एंड आर जी बी मॉनिटर ठीक है सुज यहां पर जो आर जी बी जो है इसकी फॉर्म आप याद रख लीजिए पूछी जाएगी आपसे रेड ग्रीन ब्लू ठीक है रेड ग्रीन एंड ब्लू आर जीबी मॉनिटर अब यहां पे पूछा गया है आर जीबी मॉनिटर कि जो बड़े बड़े गेमिंग के लिए यूज होता है और मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या फर्क है ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स रेजोल्यूशन साइज और कॉस्ट ठीक है यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स ठीक है जो इसमें क्या होती है एक में ज्यादा होती है एक में कम होती है ठीक है रेजोल्यूशन साइज और कास्ट तीनों के ही मैक्सिमम सेम होता है, है? ठीक चलिए आगे देखते ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन इस वीडियो का विच आर द फॉलोइंग कैन बी आउटपुट बाय अ कंप्यूटर इनमें से हम कंप्यूटर जो आउटपुट आता है कंप्यूटर के द्वारा हम किसको यहां पर आउटपुट आउटपुट क्या आता है ग्राफिक्स वाइस

कटेगराइज अक्सरली कैटेगराइज करते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू व्हाट वेदर इट इज एक्सपेंसिव क्या ये एक्सपेंसिव है या इसको लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वर्क के लिए या ये यहां पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी प्रोड्यूस करता है और इट कैन फिट ऑन डेस्कटॉप क्या ये डेस्कटॉप पे फिट हो सकता है ठीक है तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेदर इट प्रोड्यूसिस हार्ड कॉपी क्या ये ये क्या करता है ठीक है सॉफ्ट कॉपी यहां पे प्रोड्यूस करता है क्या आउटपुट आया है ठीक है तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन तो गाइज थैंक यू अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं अब हम करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ठीक है कल की वीडियो में बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में उसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में ठीक है उसके बाद इनके भी आपके कुछ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है गाइज थैंक यू